राजनीति में जब आपको राज्यपाल बना दिया जाता है तो लोग मानने लगते हैं कि उस नेता का अब भविष्य खत्म हो गया है। सक्रिय राजनीति में कुछ लोग लौटते भी हैं और कुछ लोग राज्यपाल से राष्ट्रपति बनते हैं और कुछ लोग राष्ट्रपति भी नहीं बन पाते और वहीं से रिटायर हो जाते हैं। तो ये कहानी शुरू हो गई है भारतीय राजनीति में राज्यपाल की। लेकिन राज्यपाल के रूप में एक व्यक्ति बहुत चर्चित हो चुके हैं और उनका नाम है सत्यपाल मलिक। दोस्तों आप देख रहे हैं पोल टॉक और मैं हूं संतोष कुमार पांडे। बात हो रही है लगातार राजनीति की, लेकिन राजनीति की उन खबरों से आप दूर नहीं रह पाएंगे जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। सत्यपाल मलिक का एक लंबा राजनीतिक करियर रहा है। 1974 में वो विधायक बनते हैं, उसके बाद दो बार राज्यसभा सदस्य बनते हैं, लोकसभा सदस्य बनते हैं, केंद्र में राज्य मंत्री भी रहते हैं, फिर 2004 में भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं और फिर भाजपा में वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तक पूरी भूमिका निभाते हैं। लेकिन सत्यपाल मलिक जी इसमें चर्चा भी इसलिए नहीं है क्योंकि वो भाजपा में बड़े पदों पर रहे, वो सांसद रहे, विधायक रहे, क्योंकि वो राज्यपाल है नहीं। वो इसलिए चर्चा में है कि सबसे ज्यादा अगर ट्रांसफर किसी राज्यपाल को इस दौरान मिला है तो उनका नाम है सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक 2017 में बिहार के राज्यपाल बनते हैं और लगभग एक साल वो राज्यपाल के रूप में वहां पर रहते हैं और वहां से जम्मू कश्मीर उनका ट्रांसफर होता है। 2018 में जम्मू कश्मीर आते हैं और उस दौरान जम्मू कश्मीर में उन्होंने काफी काम किया, लेकिन उनके ही दौरान पर वहां सरकार चली जाती है और वो वहां पर धारा 370 जो लागू होता है उसमें वो शामिल रहते हैं। उस दौरान वो वहां के प्रशासक रहते हैं। ये कहानी सत्यपाल मलिक की है और उसके बाद सत्यपाल मलिक लगातार चर्चा में बने रहे। लेकिन अचानक से अक्टूबर का महीना आता है, सत्यपाल मलिक का ट्रांसफर हो जाता है। वो जम्मू कश्मीर से पहुंच जाते हैं गोवा। फिर भी चर्चा में बने रहते हैं क्योंकि उनका ट्रांसफर जम्मू कश्मीर से हुआ था। लेकिन सत्यपाल मलिक अब फिर चर्चा में आ गए हैं क्योंकि उन्हें मेघालय भेज दिया गया है। मतलब आप समझिए कि 3 साल में चौथा राज्य, मतलब 3 राज्यों से उनको ट्रांसफर मिल चुका है और 1 साल में 3रा राज्य उनका चेंज हुआ है। यह कहानी सत्यपाल मलिक की आप सुन रहे हैं। सत्यपाल मलिक इसमें मेघालय के राज्यपाल बन गए हैं और मेघालय के जो राज्यपाल हैं तथागत राय, वो बंगाल के रहने वाले थे और वो बंगाल की सक्रिय राजनीति में लौटना चाह रहे थे और वो बंगाल लौट रहे हैं। ये 2 राज्यपाल, एक तो राज्यपाल बनने के बाद आपका राजनीतिक करियर खत्म होने वाली बात जो थी वो यहां पर खत्म हो रही है तथागत राय के साथ, और दूसरी सत्यपाल मलिक के साथ लगातार इनका ट्रांसफर हो रहा है और ये भारतीय राज्यपालों में की जो संख्या है इस समय वर्तमान में, ये अकेले ऐसे राज्यपाल होंगे जिनका लगभग सबसे ज्यादा ट्रांसफर हुआ है। कार्यपाल कई सारे राज्यपालों को अलग अलग राज्यों का मिलता रहा है, लेकिन ट्रांसफर के मामले में ये चर्चा में है और राज्यपाल का इतना ट्रांसफर होता नहीं है, अमूमन होता नहीं है, लेकिन इनका हो रहा है। तमाम सवाल इस पे उठ रहे हैं, तमाम बातें हो रही हैं, तो आज आपको बताना था कि कैसे 3 साल में 4था राज्य और 1 साल में 3 ट्रांसफर हुआ है एक राज्यपाल का। आपने पढ़ा, आपने देखा, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। लगातार अपडेट जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।